Hi guys, this is Jia Manik and you're watching me on Telichaska. Hi guys, welcome to Telichaska. आज हमारे साथ है जिया मानिक. जिया, सबसे पहले Telichaska में आपका स्वागत है. Thank you and a big hello and a big namaste to all the audiences and viewers watching me right now. Okay, Jia, जैसे कि आप हम सेटअप देखते हैं, बहुत तेज वाला सेटअप है, बट साथ ही साथ दिवाली भी है. दिवाली का भी मौका है, तो दिवाली के क्या कुछ स्पेशल प्लान रहेंगे? तो दिवाली में तो जनरली मुझे साफ़ सफाई घर की करनी खुद अपने हाथों से पसंद है, बिकॉज आई फील नो मैटर आप किसी को भी अपॉइंट कर लो साफ़ सफाई करने के लिए, जैसे आप खुद करोगे अपने खुद के घर की, वैसे कोई नहीं कर सकता है. सो आई वुड एक्चुअली यू नो लाइक टू डू दैट लाइक एवरी ईयर, बट अभी के जो माहौल में बिकॉज वी आर यू नो शूटिंग इट्स अ डेली, सो मुझे नहीं पता कितना टाइम मिलेगा. आई ऑल्सो लाइक टू यू नो मेक फ्लावर एंड अ कलर रंगोली राइट आउटसाइड माई हाउस, डेकोरेट माई हाउस विद दियाज, help my mother in making a lot of you know snacks for Diwali, fried stuff jo otherwise hum zyada nahi khate, but Diwali mein hum log bas you know without any thoughts hum kha lete hain. So I'll miss all that. I don't know how much of that I can do, but let's see, I'll see if I can sneak in something. Okay, so Diwali khane ke baad aapke favorite mithai ya favorite snack kaun si? मराठी में डिश है विच इज कॉल्ड एज शक्कर पाला, सो दैट आई लव. ऑल दो आई एम अ गुजराती, बट आई लव फ्यू पंजाबी डिशेज, फ्यू मराठी डिशेज, एंड एक्चुअली मुझे मेरा गुजराती खाना छोड़ के मुझे बाकी सब ज़्यादा पसंद है. सो दैट इज़ वन स्वीट, एंड आई लव बेसन का लड्डू ऑल्सो. स्नैक्स की बात करें तो हम लोग गुजराती में गाठिया बनाते हैं विच इज़ वेरी स्पाइसी, जो बेसन से बनता है. सो दैट आई लाइक स्पाइसी, आई ईट दैट विद यू नो कोरिएंडर की चटनी, और आई ईट दैट विद लहसुन की चटनी. आई यूजली ईट वेरी स्पाइसी फूड, बट समवेयर नाउ इट इज स्टार्ट शोइंग ऑन माई फेस, सो आई हैव रिड्यूस्ड स्पाइस इनटेक. सो गोपिका जो है अभी राधिका बनी हुई है, और अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद पहली बार डेट पे आई है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. और जो वो एक्सपेक्ट करती है उससे भी यू नो बेटर चीज़ें होती है. कभी कभी ऐसा होता है आप बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो एंड समथिंग वेरी नाइस हैपन, सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विद राधिका और गोपिका. ओके, सो डबल रोल प्ले करने में ना कई बार मुश्किलें होती है, सो आपके लिए टफ होता है या इजी होता है डबल? ऑफकोर्स इट इज़ टफ. आई थिंक एक रोल ही टफ होता है, बिकॉज यू हैव टू बिकम वन विद द कैरेक्टर, बिकॉज लोगों को लगता है एक्टिंग बहुत ईजी है, बट एक्टिंग इज नॉट ईजी. आई एम एट दिस स्टेज ऑल्सो आफ्टर 10-12 ईयर्स आई कैन से दैट आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग, बिकॉज समटाइम्स आई फील आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद अ फ्यू सीन्स, देन आई यू नो आई गेट अ लिटिल फिक्स्ड ऑन हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट. सो आई फील यू शुड नेवर गेट कम्फर्टेबल, अदरवाइज यू जस्ट बिकम स्टैगनेंट. So I would say that you know doing one thing is only not a cakewalk, and when there is double role it's like a huge responsibility. Okay, so last week Diwali hai and sab kuch hone wala hai, so aap viewers ko kya message dena chahenge, kya kuch kehna chahenge? Yes, for Diwali, firstly I would you know wish all the viewers and audiences a very very happy Diwali. Be safe, be happy, and may Ma Lakshmi shower you with everything in abundance of all that you ever wished for, and the same for your family and your loved ones too. But this time I would of course say that you know be careful, because COVID अभी भी है. सो आई नो दिवाली इज़ अ फेस्टिवल वे यू वॉन्ट टू मीट योर लव्ड वंस, गेट क्लोज एंड यू नो हैव अ गुड टाइम टुगेदर, बट आई वुड स्टिल से दैट यू नो इफ दैट गैदरिंग कैन बी लिटिल स्मॉलर विथ योर इमीडिएट पीपल, आई थिंक दैट इज़ अ सेफर ऑप्शन, बिकॉज इफ यू डोंट हैव लाइफ ओनली नथिंग एल्स मेक सेंस, सो जस्ट डू वॉट इज़ द नीड ऑफ द आवर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.